नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का वेलकम करता हूं वास्तु की बात कमल नंदलाल के साथ सिर्फ श्रोतक पर। इसलिए श्रोतक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें हमारे वीडियोस। तो चलिए आते हैं सीधे हमारे विशेष टॉपिक पर, और आज का टॉपिक बहुत खास है। ये टॉपिक जो है ये बहुत खास हो जाता है उनके लिए जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं, या जिनके बच्चे बिगड़ गए हैं, या जिनके घर में कोई ना कोई समस्या ज़रूर आ रही है रिगार्डिंग बच्चों से संबंधित। एक बात को समझनी पड़ेगी, ज्योतिष के अनुसार और वास्तु के अनुसार घर की उत्तर पूर्व दिशा संतोपत्ति यानी कि संतान की प्राप्ति और संतान के बिहेवियर को लेकर रिस्पॉन्सिबल होती है। जिस तरीके से संतान की उत्पत्ति के लिए सूर्य बहुत रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए संतान के बिहेवियर के लिए, संतान के जो लक्षण हैं उनके लिए उत्तर पूर्व दिशा बहुत रिस्पॉन्सिबल है। घर की उत्तर पूर्व दिशा में आई हुई कुछ प्रॉब्लम्स आपके जीवन में बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हैं, और ये तब होता है जब आपके कुंडली में या आपके घर में केतु की खराब पोजीशन हो जाती है। जो कोई भी व्यक्ति घर में अगर कोई पक्षी पाल लेते हैं, पक्षी बुध का और केतु का प्रतीक है, तो उनकी लाइफ में बच्चों के साथ में प्रॉब्लम आने लगती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगती है। या आपके घर के सामने कोई बड़ा पेड़ है जिस पर आके बहुत सारे तोते बैठ जाते हैं, और विशेष तौर पर वो तोते जब चहचहाते हैं या जब बीट करते हैं, अगर आपके घर पे वो बीट आती है तो वो निश्चित रूप से आपके लिए प्रॉब्लम बन जाती है। उसका पूरा का पूरा असर, केतु का पूरा असर आप पर या आपके प्रोफेशन पर नहीं आता है, केतु का पूरा असर आता है आपकी संतान पे। तो अगर आपकी संतान के साथ कोई प्रॉब्लम्स है, हेल्थ प्रॉब्लम्स है, अगर आपकी संतान बिगड़ी हुई है तो ये प्रॉब्लम ज़रूर आती है, क्योंकि केतु की डायरेक्शन एक तो उर्वर्ध कही गई है और उत्तर पूर्व कही गई है। कारण उत्तर पूर्व धर्म है, जिस प्रकार से गुरु धर्म है, उत्तर पूर्व धर्म है, और धर्म मोक्ष है, धुआं है। तो कुछ एक चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, जैसे कि घर के सेंटर में कभी धुआं नहीं होना चाहिए किचन का। दूसरी बात ये कि अगर आप अपने घर के मंदिर में धूप बत्ती भी जला रहे हैं तो उस धूप बत्ती का धुआं तुरंत रूप से घर के बाहर हो जाना चाहिए, घर के अंदर भीतर में नहीं आना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और स्पेशली जिनका केतु खराब होता है उनको ये ज़रूर कहा जाता है कि घर के अंदर धूप ना करें बहुत ज़्यादा। जैसे कई लोग लोभान से, कई लोग गूगल से पूरे घर में धूप कर देते हैं डेली, तो वो नहीं करनी चाहिए। साथ बसात के अंदर जिन लोगों ने भी साधु संतों के या अपने गुरुओं के चित्र अगर उत्तर पूर्व दिशा में लगाए हुए हैं उनके साथ में ज़रूर प्रॉब्लम होती है, उनके बच्चे कभी भी ठीक नहीं होते। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जिसके घर पर भी किसी ने अगर पक्षियों के लिए एक निश्चित स्थान बनाया हुआ है जहाँ पर उन्होंने पक्षी पाले हुए हैं तो ये प्रॉब्लम ज़रूर आती है। इसलिए अपने घर में पक्षी ज़्यादा ना पालें। कई लोगों को शौक होता है, कई लोगों का दिल लगा हुआ होता है, वो एक अलग बात है, लेकिन निश्चित रूप से कई लोग जो ऐसे पक्षी पाल लेते हैं जिसे नहीं पालना चाहिए तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। उसके लिए आप एक छोटा सा उपाय करेंगे, अपने केतु को ठीक करेंगे। वास्तु के दृष्टिकोण से केतु कैसे ठीक होता है, केतु देवीदास कहा गया है, शिवदास कहा गया है। तो एक तो बहुत परफेक्ट सी चीज़ है कि अपने घर में आप शिवलिंग को जगह दे दें। कौन सा शिवलिंग? पारे का शिवलिंग। घर की उत्तर पूर्व दिशा के अंदर आप शिवलिंग रखते हैं तो आपके बच्चे ठीक होना शुरू हो जाते हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? पताका, यानी कि एक झंडा लगाना है आपको। क्या करना है? किसी भी देवी के मंदिर के अंदर झंडा सूर्य उदय से पूर्व बुधवार के दिन आपको जाना है, देवी को दो झंडे चढ़ाने हैं, देवी को प्रणाम करना और अपने बच्चों की सलामती मांगनी, और एक झंडा उसमें से वापस लेके आना है। एक झंडा वहीं रह जाएगा देवी के मंदिर में, एक झंडा आप घर लेके आएंगे, और सूर्य उदय से पहले अरुणोदय काल में, यानी कि वेनसडे तो हो गया रात को 12 बजे बाद, अब मॉर्निंग नहीं हुई है यानी कि सूर्य उदय नहीं हुआ है, उससे पहले वो झंडा जो है घर के बालकनी में या छत पर आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लगा देंगे। इसी प्रॉब्लम का सटीक उपाय करने के लिए एक प्रोग्राम को ख़त्म करने से पहले खास उपाय बताऊंगा। अपने घर की नॉर्थ ईस्ट साइड पे छत से जुड़ता हुआ धूम्रवर्ण गणपति का एक फ़ोटो लगाइए, और उस धूम्रवर्ण गणपति पर सतरंगी धागे के अंदर आपको टाइगर आय, बिल्लोरा जिसे कहते हैं, वो 6 बिल्लोरे पिरोकर गणपति पे चढ़ा देने, जीवन भर के लिए बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व रहेगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहें श्रोतक। नमस्कार।